बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे। 11 क्लास मैथ्स एफएससी। ये है परम्यूटेशन से मुताल्लिक। परम्यूटेशन क्या है और ये कैसे बनानी है ये हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। परम्यूटेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये अरेंजमेंट्स होती है ऑब्जेक्ट्स की। मसलन करें हमारे पास अगर कोई नंबर है, 1 है 2 है और 3 है, तो हम इसको कितनी तरतीबों से लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3, हम इसको लिख सकते हैं 1 3 2, हम इसको लिख सकते हैं 2 3 1, इसको लिख सकते हैं 2 1 3, इसको लिख सकते हैं 3 1 2, इसको लिख सकते हैं 3 2 1 3 2 1। तो देखिए इस तरह से ये हमारे पास इसकी 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स बनी हैं। इसकी अरेंजमेंट्स बनी हैं 6। तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। इसके लिए हम फार्मूला यूज किया करेंगे NPR। इसको हम पढ़ेंगे NPR। एन जो है वो तादाद हुआ करेगी। मसलन इसकी अगर हम परम्यूटेशन बनाते हैं कि ये तो हमें बना के पता चला कि इसकी 6 बनी है। तो अगर हमें बनाए बगैर देखना हो कि इसकी अगर हम परम्यूटेशन बनाएं सारे नंबर यूज करके तो कितनी बनेगी, तो हम इसमें वैल्यूज लगाएंगे NPR। ये इक्वल होता है N फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों को माइनस करके तो उनका फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। NPR is equal to N factorial divided by N minus R factorial। ये permutations के लिए formula है, ये हम use करेंगे इस exercise में। अब देखिए अगर हम इसकी इसको ये formula लगाएं, इसमें N जो है हमारा 3 है, 3 इसमें तो तादाद है इनकी, और हमने 3 ही numbers use किए हैं इसमें, 3 के 3 सारे के सारे use किए हैं। R भी हमारा इसमें 3 ही है, तो ये अगर हम इसको ये formula लगाएं तो ये बनेगा हमारा N, N की जगह 3, R की जगह 3, ये होगा 3P3। यानी इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइड बाई दोनों को माइनस करके तो उसका फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है तो 6। तो देखें टोटल 6 इसकी परम्यूटेशन बन सकती है। तो देखें यहाँ पर हमने जब बनाई है तो ये 6 परम्यूटेशन ही इसकी बनी है, 6 अरेंजमेंट इसकी बनी है। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे परम्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए और हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन के ये 5 पार्ट्स हैं, ये हम करेंगे इसी फार्मूले से। NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। ये है 20P3, इसको वैल्यूएट करना है तो हम इसको लिखेंगे 20 फैक्टोरियल, N की जगह पर यहाँ पर 20 है, ये हमारा N है हमारा यहाँ पर 20 और R है यहाँ पर हमारा 3। तो इस फार्मूले में इसको लगा देंगे, ये हो जाएगा N फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आया 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें, 20 फैक्टोरियल लिखें डिवाइड बाई 17 फैक्टोरियल लिखें, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा 6840। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते कैलकुलेटर से तो फिर आप ऐसे करें 20 19 18, 20 के पीछे सारी वैल्यूज लिखें, 17 फैक्टोरियल तक लिख लें। नीचे आपके पास ये भी 17 फैक्टोरियल है, तो ये इसके साथ कट जाएगा। इन सबको 20 19 18 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। बेहतर है आप इसको कैलकुलेटर से करें, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17 फैक्टोरियल लिखेंगे, फैक्टोरियल की उधर मौजूद है कैलकुलेटर में, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आ गया 16P4, इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको हम लिखेंगे 16 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हुआ 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल। तो 16 फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे इसके साथ 12 फैक्टोरियल के साथ कैलकुलेटर से, तो ये आपको आंसर दे देगा 43680। ये इसका आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसको खोल के सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। इसको लिखेंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये मिलेगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर पर इसको लिखें 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, तो ये आपको दे देगा 95040, तो ये आ जाएगा इसका 10P7। इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये बनेगा आपके पास 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करें 3 फैक्टोरियल के साथ, तो ये आपको दे देगा 60604800, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये है 9P8, इसको लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई
नाइन माइनस एट फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल बनता है, तो वन फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है, तो नाइन फैक्टोरियल को सॉल्व कर ली, ये आपको दे देगा 362, इसका आंसर आ जाएगा 36280। तो ये हमने इनको इस क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड वैल्यू ऑफ एन। इन क्वेश्चन में एक अननोन वैल्यू एन मौजूद है, वो हमने फाइंड करनी है। ये है एन पी टू इज इक्वल टू 30, तो हमने एन मालूम करना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आए, एन की जगह पर कि एन पी टू निकाल लें तो 30 के इक्वल आंसर आए। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो कोई ना कोई आंसर आता था, हमने एन मालूम करना है। तो एन पी टू फार्मूला हमारे पास परमुटेशन के लिए है, एन पी आर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल होता है, इसी को यूज करेंगे। ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, एन माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। तो ये एन फैक्टोरियल है, ये एन माइनस टू फैक्टोरियल है, नीचे वैल्यू छोटी है ऊपर बड़ी है, तो इसको खोल लेते हैं एन माइनस टू तक। इसको लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन, फैक्टोरियल का यही मतलब होता है कि वैल्यू और उससे पिछली, उससे पिछली, उससे पिछली। ये एन है तो इससे पिछली वैल्यू होगी, इसमें से एक कम किया तो ये आ गई, इसमें से एक कम किया तो उससे पिछली वैल्यू आ गई, तो इससे एक कम करेंगे तो एन माइनस थ्री आ जाएगा, लेकिन हमें एन माइनस थ्री तक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे हमें नजर आ रहा है एन माइनस टू फैक्टोरियल मौजूद है, तो वो इसके साथ कट जाएगा, लिहाजा हम यहीं पर रुक जाएंगे। नीचे हमारे पास एन माइनस टू फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल को हमने लिख लिया है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, तो ये वन तक चली गई फैक्टोरियल का नहीं, वन तक मौजूद है। उधर है हमारे पास 30, ये कट गया, ये आ गया एन स्क्वेयर, या इसको ऐसे कर लें एन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू, हमें चूंकि एन मालूम करना है इसके दो टुकड़े कर लें, 6×5 बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, 6×5, तो इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं एन किसके इक्वल है 6 के, तो यही हमने मालूम करना था। या आप इसको भी यूज कर सकते हैं एन माइनस वन किसके इक्वल है 5 के, वो यहाँ से भी आप एन इज इक्वल टू 5+1 करके एन इज इक्वल टू 6 निकाल सकते हैं। तो कंपेयर कर लिया, एन किसके इक्वल आ गया 6 के, 30 को हमने लिखा है 6×5, क्योंकि इधर दो वैल्यूज हैं, ज्यादा इसके हमने दो ही बनाए, दो ही वैल्यूज बनाई। ये आ गया 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस एन फैक्टोरियल। अब ये वाला जो है ये 11 10 9 है, अगर हम इसके पीछे 8 7 1 तक लिखते जाएं, यानी 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये सारा टोटल 11 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो नीचे भी हमें 8 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, ऊपर 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी करेंगे। ये आपके पास बना 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 माइनस एन फैक्टोरियल। इधर है आपके पास ये वाला सारा 1 तक मौजूद है, 11 फैक्टोरियल हो गया, नीचे आ गया 8 फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये वाली इसके साथ कट जाएगी, फिर बाकी आपके पास रह गया इस, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर भी 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 11 माइनस एन फैक्टोरियल हो गया, और ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 8 फैक्टोरियल हो गया। कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे तो 11 माइनस एन इज इक्वल टू 8 हो गया, एन को उठा के उधर ले गए और 8 को उठा के इधर ले आए, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो हमें एन मालूम करना था तो एन आ गया है इसमें 3। ये है एन पी फोर रेशियो, एन माइनस वन पी थ्री इज इक्वल टू 9:1। रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, जैसे 9:1 है तो हम इसको 9/1 लिख सकते हैं या इसको 9/1 लिख सकते हैं, तो ये एन पी फोर है, इसको लिखेंगे हम एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस फोर फैक्टोरियल, हमें एन मालूम करना है, इसको रेशियो को डिवाइड लिख लें, ऐसे लिख लें एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये माइनस ये करेंगे एन माइनस वन माइनस थ्री करेंगे तो एन माइनस फोर, यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस फोर फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, उधर आ गया 9:1, उसको 9/1 लिख लें या इस तरह से लिख लें। ये आ गया हमारे पास एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस फोर फैक्टोरियल। अब इसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे तो ये उलट जाएगी, एन माइनस फोर फैक्टोरियल हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ गया एन माइनस वन फैक्टोरियल, उधर है हमारे पास 9, ये दोनों कट गए। अब देखें ये है एन फैक्टोरियल और एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये बड़ा है ये छोटा है, इस बड़े को खोल लें एक स्टेप ताकि वो इसके साथ कट दे, तो हम इसको खोलेंगे एन फैक्टोरियल, इससे पीछे वाली तमाम रकमों का फैक्टोरियल, एन के पीछे क्या है एन माइनस वन और उन तमाम रकमों का फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल है, तो हमने इसलिए ऊपर वाले को एन माइनस वन फैक्टोरियल तक ही खोला है क्योंकि नजर आ रहा था कि नीचे कट देगा, दैट इज इक्वल टू 9, तो एन मालूम करना था, एन आ गया है 9। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट,
प्रूव दैट, साबित करें कि एन पी आर इसकी इक्वल है एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन के। राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट साइड है हमारे पास एन, इसको एन पी आर है ये, इसको लिख सकते हैं ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करके उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस करेंगे इसको तो इसकी लॉन्ग चेंज हो जाएगी, माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। ये हमने फार्मूला लगा दिया, ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइड बाई इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा एन, ये इक्वल हो गया एन के और एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये वाला पॉजिटिव वन नेगेटिव वन काट गया तो नीचे बचा एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखें ये वाला जो बना है हमारे पास ये है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे है हमारे पास एन माइनस आर फैक्टोरियल, इस सारे को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास अगर हो नाइन इंटू एट फैक्टोरियल तो हम इसको लिख सकते हैं नाइन फैक्टोरियल, क्योंकि एट से लेकर वन तक सारी रकम मौजूद है, नाइन भी है, तो इस सारे को हम यू लिख सकते हैं। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल बन देगा एन फैक्टोरियल बन देगा, नीचे हमारे पास है एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसका तो हमें पता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो एन पी आर के इक्वल होता है, एन पी आर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो ये सारा किसके इक्वल है एन पी आर, ये सारा किसके इक्वल है एन पी आर, तो यही हमने साबित करना था, लेफ्ट साइड लेके आनी थी, तो ये इसकी एन पी आर लेफ्ट साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट, प्रूव दैट एन पी आर इज इक्वल टू दिस, इसकी भी राइट साइड को सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड में हमारे पास है एन माइनस वन, इसको लिखेंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट साइड को सॉल्व करेंगे ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइड बाई इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, एन माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये बन गया, इधर आ गया हमारे पास आर इंटू ऊपर वाली का फैक्टोरियल एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करके उसका फैक्टोरियल, एन माइनस वन इसको माइनस करेंगे तो इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी, माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बना हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर माइनस वन, चलिए इसको ऐसे लिख लें एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल नीचे है, प्लस आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब देखें यहाँ पर प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं, बाकी बचा एन माइनस आर फैक्टोरियल बच गया। अब ये बना हमारे पास ऊपर आ गया एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ सकता है, यहाँ पर एन माइनस आर है एन माइनस आर माइनस वन है, तो यहाँ से भी हम कोशिश करते हैं कि कॉमन आ जाए, एन माइनस वन फैक्टोरियल नीचे ये है हमारे पास एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल और ये है एन माइनस आर, तो ये एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इसको ऐसे ही रहने दिया, उधर है हमारे पास आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो इसको एक स्टेप खोल लेते हैं ताकि ये भी इस जैसा बन जाए तो हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास एन माइनस आर फैक्टोरियल है तो हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू और उससे पिछली वैल्यू तो वहाँ वैल्यू उसका फैक्टोरियल, जैसे हमारे पास हो नाइन फैक्टोरियल तो हम उसको लिख सकते हैं नाइन एज इट इज और उससे पिछली तमाम वैल्यूज का फैक्टोरियल, उसमें से एक कम करके पिछली तमाम वैल्यूज का फैक्टोरियल, यही बात यहाँ पर ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा और इससे पीछे इसमें से एक माइनस किया माइनस वन किया तो आर फैक्टोरियल, ये सारा जो है यही चीज है, इसको यू लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एन माइनस आर इंटू इसमें से एक कम करके एन माइनस आर माइनस वन करके उन तमाम का फैक्टोरियल। ऐसा करने का फायदा ये हुआ है कि यहाँ पर भी नीचे हमारे पास एन माइनस आर माइनस वन है, यहाँ पर भी आ गया, हम कॉमन ले लेंगे तो आसानी हो जाएगी हम इसको सॉल्व करने में, ऊपर से कॉमन आ गया एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल दोनों में मौजूद है, नीचे एन माइनस आर माइनस वन दोनों में मौजूद है, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल दोनों में मौजूद है, तो ये कॉमन आ गया, फैक्टोरियल वाली तमाम रकमें कॉमन चली गई, यहाँ पर रह गया है वन, ये भी कॉमन चला गया, तो इधर ही वन बचा है तो वन प्लस वन बचा है तो वन ही रह गया, प्लस इधर से ये वाला भी कॉमन चला गया बाय फैक्टोरियल वाली वैल्यू, ये भी चली गई है कॉमन, बाकी रह गया है आर डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल वाली तमाम वैल्यूज कॉमन में चली गई। ये बना हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल और एलसीएम दिया एन माइनस आर एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा एन माइनस आर प्लस आर एन माइनस आर प्लस आर, ये कट गया, अब हमारे पास ये बचा है सिर्फ n, यहाँ से n बचा है और ये बचा है,
इस सारे को इकट्ठा करके लिख लें, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख लिया इसको, नीचे भी यही चीज़ है, एन माइनस आर इंटू दिस थिंग, एन माइनस आर इंटू ये, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखें ये वाला एन है, ये एन माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इस सारे को लिखा जा सकता है एन फैक्टोरियल, ये बड़ी वैल्यू है, ये उससे एक छोटी वैल्यू है, और एन फैक्टोरियल है तो इस सारे को एन फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। और यही चीज़ नीचे भी है, ये एन माइनस आर है, ये उससे कम है, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है, इसको हम सारे को लिख सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये सारा क्या बन गया है, ये तो एन पी आर ही बन गया, क्योंकि ये सारा जो है इक्वल होता है एन पी आर के, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इसका था क्वेश्चन नंबर 3।